झारखंड राज्य में बढ़ रहे अपराध और विगत कुछ दिनों में न्यायाधीश सहित लोगों की हुई हत्याओं के विरुद्ध में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में निर्देश अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा जामताड़ा इकाई द्वारा जामताड़ा के सुभाष चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया। इससे पहले वीर कुंवर सिंह चौक से सुभाष चौक तक विरोध मार्च निकाला गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनूप पांडे ने बताया कि जब से प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार राज्य में विधि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका विरोध में सड़कों पर उतरी है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी है कि राज्य का हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, पर मुख्यमंत्री और प्रशासन लोगों में विश्वास पैदा करने में नाकाम रही है। नियुक्ति वर्ष में भी धोखा साबित हुआ है, एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। युवा अपने हक की लड़ाई के लिए इस बरसात के मौसम में सड़कों पर उतरने को बाध्य है। संविदा कर्मी बेहाल है, उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। पारा शिक्षकों के साथ भी धोखा किया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह, भाजुमो के प्रदेश महामंत्री मनीष दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश यादव, किसान मोर्चा नगर महामंत्री सुशील गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह, राजवीर पटेल इत्यादि लोग उपस्थित थे। क्या है आज का कार्यक्रम? झारखंड भाजपा झारखंड प्रदेश के निर्देश अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे झारखंड में जिला केंद्र में विगत दिनों झारखंड में हुई एडीजे के दिनदहाड़े हत्या सहित और भी विभिन्न मुद्दों को लेकर पूरे झारखंड में जिला केंद्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध में प्रतिवाद मार्च निकाला और अभी सुभाष चौक स्थित सुभाष चौक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में कानून की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। आज आलम ये पहुंच गया कि राज्य में न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है। कल धनबाद में सुबह सबके सामने एडीजे के दिनदहाड़े हत्या कर दी गई और अभी तक अपराधी खुले हवा में सांस ले रहे। इसी के विरुद्ध में भारतीय जनता युवा मोर्चा हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर उनसे विरोध करती है, उनसे मांग करती है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और राज्य में कानून की उन्हें स्थापना हो।